सो बात करते हैं सत्यमेव जयते के फर्स्ट हाफ की, ठीक है। एक सीन है, स्टार्टिंग फर्स्ट सीन है, जहां पर एक व्यक्ति ने काला लबादा ओढ़ रखा है, सामने चिता सजी हुई है, एक पुलिस वाले को घसीट के ला रहा है, चिता में लिटाता है, उसे जिंदा जला देता है। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरे पुलिस वाले को जला रहा है, ये इतना खौफनाक है ये बंदा। और ये बंदा और कोई नहीं, मासूम सी शक्ल वाला है जॉन अब्राहम। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं फर्स्ट हाफ की। तो सत्यमेव जयते इज फुल ऑन मसाला फिल्म। जिस तरीके से साउथ की फिल्म्स होती हैं, फुल ऑन एंटरटेनर, फुल ऑन मसाले से भरपूर, सो सत्यमेव जयते का फर्स्ट हाफ दोस्तों वही है, जहां जॉन अब्राहम एक सीरियस कातिल की भूमिका में है। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों वो एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स को जिंदा जला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, करप्शन इज द थिंग, बट लेकिन क्यों जला रहे हैं, बैक स्टोरी क्या है, वो हमें सेकेंड हाफ में पता चलेगी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फटाफट आपको रिव्यू बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एंट्री होती है। अब भाई जब पुलिस को मुंबई में जिंदा जला रहे हैं, तो भाई एक सीनियर ऑफिसर को फ़ोन जाता है कि आप कहाँ हो, तो आप आओ। तो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर एंट्री करता है। फिर उसके बाद दोस्तों मनोज वाजपेयी का जब कैरेक्टर एंट्री करता है, तो फिर होती है सारी तहकीकात, जहाँ पर सारी चीज़ों को सामने रखा जाता है। अच्छा, ये है ना सत्यमेव जयते करके है, ये उसको कंप्लीट करने वाला है। लेकिन अभी तक रिलेशनशिप समझ में नहीं आया दोस्तों कि आखिरकार जॉन अब्राहम क्यों पुलिस वालों को एकदम जला रहा है, लिटरली एकदम जला रहा है। लेकिन हाँ, एंड में इंटरमिशन से पहले एक ऐसा रिलेशनशिप सामने आएगा कि आप लोग चौंक जाएंगे, अरे बाप रे, मतलब जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी का ये है, मतलब कुछ है सीन, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सस्पेंस है, आप देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ फुल ऑन एंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट का डोज देता है। दो गाने आ गए हैं, पानियों सा वाला जो एकदम रोमांटिक ट्रैक है वो आ गया, और दिलबर सॉन्ग आ गया है। नूरा फतेह ने अपना जादू बरकरार कर रखा है दोस्तों, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया जब ये एक सॉन्ग आया। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, उसमें डायलॉग्स एक से एक कड़क हैं दोस्तों, आपको हंसी भी आएगी, आपके मुँह से वाओ ये भी निकलेगा, और लिटरली हर टाइप की फीलिंग्स हैं फर्स्ट हाफ में। लेट्स सी सेकंड हाफ में क्या छुपा के रखा है मिलन मिलाप जावेरी जी ने, ये तो बात पता चलेगी जब मैं सेकंड हाफ देखूंगा। तब तक के लिए आप बताइए कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं हैं, और आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन आपका है। मैं सेकंड हाफ बता के पूरा रिव्यू बताऊंगा, डिटेल रिव्यू। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। Thank you.